नमस्कार, मैं वैद्य करिश्मा आप सबको चंद्रयान मिशन की सफलता पर बधाई देती हूँ। चंद्रमा का आयुर्वेद में विशेष महत्व है। चरक सूत्र स्थान के अध्याय 6 के एक श्लोक में चंद्रमा को केंद्र बिंदु में रखकर कहा गया है, दिवा सूर्यांशु संतप्ततम निशि चंद्रमासु शीतलम कालेन पक्वम निर्दोषम अगत सेन अविशीकृतम हंसोदकम इति ख्यातम शारदम विमलम सूचि स्नान पान अवगाहेशु ही तम्बू यथामृतम। अर्थात दिन में सूर्य की किरणों से तपा हुआ, रात्रि में चंद्रमा की किरणों से शीतल, अगस्त्य तारे के उदय होने के कारण जो विष रहित हो गया है उसे हम हंसोदक कहते हैं। शरद ऋतु का यह जल निर्मल व पवित्र होता है। इस जल का प्रयोग हम नहाने पीने तथा अवगाहन करने के लिए कर सकते हैं। अवगाहन यह एक आयुर्वेद का प्रोसीजर होता है जो एक वैद्य चिकित्सा में इसका प्रयोग करता है। इस जल को अमृत के समान माना गया है।